क्या खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद का मौका है तो ईद पे कोई याद आते हैं आपको, रिश्तेदार या कोई करीबी चाहने वाला? हाँ अब्बा याद आते हैं, अम्मी याद आती, बहुत याद आती हैं। और अब्बा बनने का जो गम है वो दादा हो जाता। वो जब तक थे तो मजे ही मजे थे, इंजॉय किया करते थे। जब उनसे मांग तांग के खाया पिया करते थे तो उसमें तसल्ली बड़ी थी। अब जितना भी कमा लो हम किसी को खुश नहीं कर पाते। क्या बात कर दी। दो साल जो अभी पिछले गुजरे, आपने कहा कि कोई खास अच्छी ईद नहीं गुजरी, लेकिन दो साल पीछे और हम चले जाते हैं तो कैसी ईदें थी? बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। महंगाई का ये तूफान नहीं था। देखिए मैं जहाँ तोल रहा हूँ इसको, तोलने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मकाम हैं, और वो सही फरमा रहे हैं, वो 1985 से इसका हिसाब किया जा सकता है। लेकिन वो चश्मे जदन में ये वाली हालत की जाएगी, इसका तो तस्वीर ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप इस तरह तलपट कर देंगे पूरे माशी निज़ाम को और लोगों की अर्निंग पावर को, कि वो तबाही के उस झूले में बैठ जाएंगे या जहाँ से उनको उतारना नामुमकिन है इस वक्त। और इनके पास कोई, हमारे पास कोई माशी प्लान नहीं है। मैं हैरान होता हूँ इनके माशी स्लोगन सुन के, नथिंग बोरिंग बोरिंग बोरिंग। उधार उधार पर कब तक आप कौम बनने की कोशिश करते रहेंगे? इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही। फिर इसी तरह गजा के वाक़यात होते रहेंगे और आप गीदड़ की तरह मुंह छुपाकर, क्या मैं बोलूं, 40,000 लोग आपके शहीद हो गए यार, 2,500। मैं उन पे भी सख्त खिलाफ हूँ कि वो जो मारे गए थे, वो जो ट्विन टावर जब गिरा था, आपने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी उसके बदले में। हाँ, लेकिन 40,000 लोग शहीद हो गए और बच्चे हैं इतने। मैं पता नहीं वो सही है पिक्चर, अभी एक तस्वीर आई हुई है जिसमें एक कुत्ता एक मरे हुए बच्चे को दबोच के जा रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अब वो जो इंसानियत के दर्श दे रहे हैं, वो जो हमें अहिंसा पढ़ा रहे हैं, कहाँ है उनकी गैरत? अल्लाह हू अकबर। या रब्बुल मशरिक है, या रब्बुल मग़रिब है। और यह सब चूंकि तकलीफ दे पहलू तो है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर आंखें भर आती हैं ये गुफ्तगू करते हुए, ये बातें करते हुए। खलील साहब भी उसी कैफियत से गुजरे, लेकिन चूंकि लोग जानना चाहते हैं कि औरिया मकबूल जान साहब की ईदें कैसी गुजरती थी, कैसी तकलीफ दे हालात से पहले? मैं बताऊँ, एक तो खैर सूरत हाल बड़ी, एक तो जो है ना कि बचपन जो है ना, कितना भी गुर्बत में गुजरा हो ना, बहुत खूबसूरत बचपन तो बचपन। मैं बहुत कसम कुर्सी वाली ज़िंदगी बचपन की गुजारी, बहुत ही। अब मैं सिंपल से बता दूँ, एक कमरे के घर में 8 लोग बहन भाई रहते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत खूबसूरत। वैसे भी दौर भी ज़बरदस्त था, सुकून भी इतना था, इत्मीनान भी इतना था सब। ये पता है क्या मसला है, हमें कुछ इज्तमाही खामोशियों की सजा मिलती है। पाकिस्तान अकेला नहीं। आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है और उनको घेरा दे दिया गया, तो एक डॉक्टर ने एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप कि हो सकता है कि जब ये मैसेज आपको मिले तो हम जिंदा ना हों। अल्लाह। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जिस औरत ने वो पढ़ा है, उस औरत ने वो पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकी वो। अल्लाह अल्लाह। ये हालत पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में, उर्दन में, मिस्र में, किसी जगह नहीं आई। देखें, बहसियत कौम, इकबाल कहते हैं कि फितरत अफराद से अकबास भी कर लेती, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। मैं और आप जो है क़यामत के, अल्लाह फरमाते हैं कि फाती जो अमल क़यामत फ़र्दा, अल्लाह कहता है मैं हर बंदे को, कुल्लुहुम आती जो अमल क़यामत फ़र्दा, हर बंदे को तने तना बुलाऊँगा। क़यामत में मेला नहीं लगा होगा, ये हमने मौलवी ने बताया हुआ कि सारी दुनिया इकट्ठी होगी और ये, ना ना,
قرآن کہتا ہے بیٹے کا حساب باپ کے سامنے نہیں لیا جائے گا، باپ کا بیٹے کے سامنے، لیکن قوموں کا اللہ کہتا ہے میں ادھر ہی ادھر ہی ادھر یہاں پر تم لوگوں کے حساب کر، اور ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. بہت بڑی ذمہ داری. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کسی جنگ میں اتنی پرسنٹیج بچوں کی نہیں ماری گئی جتنی اس پر اس پر اس میں ماری گئی. کسی بالکل. اور آپ سوچیں کہ 17 کلومیٹر کا بارڈر ہے مسلمان ملک کا، مصر کا حرفہ بارڈر جو ہے، کسی ایک مسلمان ملک نے اس کو نہیں کہا یہ بارڈر تو تم تو کھولو یار، تم تو مسلمان ہو. آپ کو پتہ ہے ان کے، میں تو وہ دیکھی ہوئی جگہ، انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں اور ان سرنگوں میں سے بےچارے گھسٹتے گھسٹتے آتے ہیں، 4 روٹیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. اللہ اللہ، اپنا زخمی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کو تم علاج کر دینا یار. مطلب یہ عید ہے اور اس عید کو منانے کا کوئی حق ہمیں ہے؟ استغفر اللہ. جی چودھری صاحب، آپ پہ گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو گیا، موضوع بالکل مختلف طرف آپ لوگ لے گئے ہیں، لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب نے 9/11 کا واقعہ یاد دلا کے مجھے ماضی میں پھینک دیا ہے، اور آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب 9/11 میں واپس جانا پڑے گا، اور اس دن سے لے کے آج تک افغانستان سے شروع ہوں، عراق پہ چلے جائیں، ایران پہ چلے جائیں، شام پہ چلے جائیں، لیبیا پہ چلے جائیں، اور اب غزہ پہ چلے جائیں، لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے، اب سے چند سال پہلے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، کیا آج پوری دنیا کا میڈیا کہیں بیان کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج کس حالت میں ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم تک کوئی رسائی ہے انفارمیشن کی؟ گجرات میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، میں اس بات پر بہت مجھے ملال بھی ہے، کہنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ غزہ پیش بندی ہے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں یا کہیں پہ اور، اور یہ ایک تجربہ گاہ کے طور پہ انہوں نے غزہ میں مسلمانوں کی بے حسی اور مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی کو دیکھا ہے کہ یہ کتنے کی بے غیرت ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. کیا کوئی نکلتا ہے، کوئی بولتا ہے، کسی کا ضمیر جاگتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج یہ جو ہم 50, 60, 55, 70 پتہ نہیں کتنے مسلمان ملک ہیں نام کے، کہ کوئی ایک جس کا ضمیر جاگا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، مریں گے بھی ساتھ، لڑیں گے بھی ساتھ، بچائیں گے ان کو، کوئی نہیں، صرف سیاسی بیان دے رہے ہیں. سفارتی تعلقات محفوظ ہونے چاہیے، دنیا امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، اس دن تک جب تک میری باری نہیں آ جاتی. یاد ہے انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے رچرڈ شیردل کو انگلستان سے بلوایا تھا. یہ بائیکاٹ بھی یورپ نے کیا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہودی سب سے پہلے نکلے ہیں بروکلن کے، اور انہوں نے کہا ناٹ ان آر نیم، لیکن ہم ہماری حالت بالکل ایگزیکٹلی میں صحیح کہتا ہوں بے حسی، تباہ و برباد. اور روز آج بھی کل بھی ابھی تک غزہ پہ بامبنگ جاری ہے، اور اتنا 20 لاکھ لوگ، 2 ملین 20 لاکھ ہیں ساحل صاحب. اور جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے رمضان ٹرانسمیشن میں، بہت واضح انداز میں، واضح الفاظ میں یہاں پر گفتگو ہوتی رہی ہے رمضان کا سماع میں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ جو ایک کاوش ہے کہ لوگوں کو کم از کم اس مقصد، یہ جو عظیم مقصد ہے، اس کے اوپر آنا چاہیے؟ بالکل. آج کو کہ ہم عید کا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن عید کے پروگرام میں بھی فلسطین کا مسئلہ، مسلمانوں کا جو اتحاد کسی بھی جگہ پر نہیں ہے، اپنی اپنی ڈگر پہ الگ الگ راستوں پہ چلے جا رہے ہیں جو ممالک ہیں امہ کے حوالے سے، تو یہ بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو نکل رہے ہیں اس طرف، جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک تجربہ گاہ بھی ہو سکتی ہے. نکھل سر، 100 ملین% کریکٹ بات چودھری صاحب کی، کہ یہ انہوں نے چیک کیا ہے کہ بڑا مارکا کدھر کیا جائے، کیونکہ چھوٹے مارکے سے لیب ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کہ ہم واقعی کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں. اور جن جن جگہوں، جن جن ایوانوں سے آواز آنی چاہیے تھی
कोई मोबिलिटी की या कोई करंट तो वो तो नहीं आई, तो उसके बाद अब क्या यहूदी साजिश, तो क्या अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। तो वाकई सही कह रहे हैं चौधरी साहब आप, इंडिया मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ, दलित मूवमेंट जैसे ही डाउन होती है तो मुसलमानों की कत्लेआम दोबारा से शुरू होने का पूरा पूरा प्लान तैयार है, होगी नहीं होगी अल्लाह को पता है, मगर हम कहते नहीं किस उसमें। मेरे अब्बा जी का ही एक शेर है कि बहुत ही खुश है ज़माना उदास होकर भी, बहुत ही खुश है ज़माना उदास होकर भी, हिस्सों का कहत है कितना हवास होकर भी, हजार कर्ब हैं पर करबला नहीं कोई, हजार कर्ब हैं पर करबला नहीं कोई, हुसैन कोई नहीं इतनी प्यास होकर भी। ये तजर्बा किया है उन्होंने, और ये तजर्बा मैं, वो दिन याद है मुझे, एक रमज़ान से कोई महीना पहले, दो तीन हफ्ते पहले मैं और चौधरी साहब की मुलाकात का वो दिन, जिसमें हमने ये जो प्लान बनाया था, और मैं भी मायूस ही, आई स्वेयर मैं उस वक्त भी उसी नाइलिज्म में था, और चौधरी साहब की अल्लाह ताला इस्तकामत दे, उन्होंने वो एक झटका दे के कहा कि ऐसे नहीं हिम्मत हारनी, कुछ प्लान तो बनाएंगे ना, हमसे तो सवाल होगा इसका। तो आई थिंक इफ नीयत ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 25-26 दिन के अंदर जो चेंज मैं देख रहा हूँ, आई होप आप लोग भी देख रहे हैं समा टीवी के इंडिकेटर्स के ऊपर, मैं तो रोड पे होता हूँ हर वक्त, यूनिवर्सिटी कॉलेज में ट्रैवल पे होता हूँ, इट्स अ मेजर ट्रांजिशन जिसकी, और वो भी 18 और 30 साल के बीच के लड़के लड़कियों में, आई एम श्योर ज़्यादा उम्र के लोगों में भी वो ज़्यादा नरम दिल्ली तो होगी तो फील हुआ, मगर मोबिलिटी सिर्फ यूथ से आती। सो ये जिस लेवल की पेनिट्रेशन हुई है, अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला इसका अजर दे। चौधरी साहब आई एम इन डेट ऑफ यू, आई ओ यू फॉर बिलीविंग इन दिस, एंड द वे यू बिलीव्ड इन दिस 30 डेज ऑफ रमदान हैज़ रियली पेड ऑफ। मेरे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं सोशल मीडिया पे, हमारे ग्रुप्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन, थाउजेंड्स, कि ऐसे काम नहीं होगा, वी नीड टू हैव दोज ऑब्जेक्टिव्स लाइंड अप। तो करंट तो है, अभी मरे नहीं हैं हम, मगर बात वही है कि जब तक वो जो अमल का लफ्ज़ है ना, अमल का लफ्ज़, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये करना पड़ेगा कि अब हम तमाम बड़े लोगों को, बड़े का मतलब है उम्र में बड़े लोगों को, लड़के लड़कियों को अमल का लफ्ज़ रिप्लेस करके कुर्बानी के लफ्ज़ में डालना पड़ेगा, कि अब अमल नहीं, अब हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, अब अपनी सेल्फ सेक्रीफाइस के ऊपर आओ, अपनी इस अना को कुर्बान करो, अपने माल को लगाना शुरू करो अपने, ताकि हम, क्योंकि अमल के लफ्ज़ से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन उस तरफ ले जाती हैं जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन में होती है, कि मैंने आज नमाज पढ़ ली, मैंने यू नो गरीबों को खाना खिला दिया, सो ऑन सो फोर्थ। बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ है कि जो और साहब ने कहा ना कि जब इज्तमाही तौर के ऊपर कौम खामोश होती है तब असल में बड़ा मसला होता है। ये डॉक्टर इसार ने भी अहदीस की रोशनी में ये बात बड़ी क्लियरली बताई थी ना कि वो दिन याद करो कि जिस दिन तुम्हारी नमाजें और रोजे तुम्हारे ही मुंह पे मारे जाएं, कि तुम्हें असल में काम क्या दिया था और तुमने ये काम करके अपने आप को सेटिस्फाई कैसे कर लिया। तो वो वही डेफिनेशन दी हैं। सो इस महीने में मैंने न्यूट्रल इंडिकेटर्स के ऊपर देखा है, आई होप चौधरी साहब आपने भी देखा हो, कि मेजर ड्रिफ्ट देखने को आई, मेजर सेंटिमेंट चेंज, बल्कि जो 1-2 इंडिकेटर्स मेरे सामने आए वो ये कि हमें तो पता ही नहीं था कि किस तरीके के खिलाफ खड़े हुए हैं हमारे इस डेफिनेशंस के ऊपर। बेशक काफ़ी सारे रिस्क लिए हैं हमने, चौधरी साहब आपने सबसे बड़ा रिस्क तो मुझ जैसे बंदे को स्क्रीन पर लाने के लिए है, मगर ये रिस्क आई थिंक इज पेइंग ऑफ।